नमस्कार, मैं विकास सोनी, यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी से। आप सभी को वर्ष 2020 का सेट वन सेट टू आप लोग को प्रोवाइड करा दिया गया वीडियो के माध्यम से, उसके आंसर्स के बारे में आपको बता दिया गया। सेट थ्री भी आप लोग को कल प्रोवाइड करा दिया गया था पीडीएफ, उसका उम्मीद है कि आप लोगों ने डाउनलोड करके उसको पढ़ लिया होगा। अब आते हैं हम सेट तीन का, वीडियो के माध्यम से समझते हैं इनके आंसर्स क्या होंगे। और अभी भी जिसने भी डाउनलोड नहीं किया है पीडीएफ, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अगर सेट वन, सेट थ्री, सेट फोर तक जो भी जितना भी हम प्रोवाइड कराएंगे अगर उतना आप लोग पढ़ लेते हैं तो 70 में से 50 नंबर से ऊपर आप ला सकते हो यूपी बोर्ड में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सेट थ्री में पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है वो है एंड्रोजन स्रावित होता है। एंड्रोजन एक नर हार्मोन होता है जिसके बारे में आपको पहले भी बताया गया है, टेस्टोस्टेरोन, जिसका स्राव करती हैं लीडिक कोशिकाएं। ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा पहला, लीडिक कोशिका द्वारा एंड्रोजन का स्राव होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा आनुवंशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है। त्रिसूत्रता यानी ट्राइसोमी, यानी दो की जगह तीन गुणसूत्र आ जाएँ, और इस कंडीशन में गुणसूत्रों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 46 की जगह कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। तो ये कंडीशन होता है डाउन सिंड्रोम में। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, तो इसका आंसर सही होगा डाउन सिंड्रोम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होती है। देखिए, विडाल परीक्षण द्वारा कौन से रोग की पुष्टि की जाती है, तो वो है टाइफाइड। एक और पूछा जाता है एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो एलिसा टेस्ट HIV के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। ठीक, तो गा का आंसर सही होगा टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आनुवंशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आनुवंशिक रूपांतरण, हम क्यों किसी जीव को रूपांतरित करते हैं आनुवंशिकी के द्वारा, हम चाहते हैं कि उसमें एक विशिष्ट लक्षण उत्पन्न हो, और फसलों का जो उत्पादन किया जाता है वो इसी उद्देश्य से किया जाता है कि फसल अधिक से अधिक उत्पादन दें, पोषक क्षमता उसमें अधिक हो, वे सूखा, ठंड, इन सभी को सह सकने में सक्षम हो, उनमें रासायनिक पीड़कनाशियों की निर्भरता कम हो, इन्हीं सबसे उद्देश्य से हम आनुवंशिक रूपांतरण कराते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि आनुवंशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आइए देखते हैं। पहला कथन, आनुवंशिक रूपांतरण फसलों को सूखा व ठंड के प्रति अधिक सहिष्णु बनाया है, सही है। दूसरा, आनुवंशिक रूपांतरण रासायनिक पीड़कनाशकों पर निर्भरता को कम किया है, सही है, क्योंकि रासायनिक पीड़कनाशक क्या होते हैं, पर्यावरण प्रदूषक होते हैं, वातावरण को दूषित करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। और इस उद्देश्य से कि इनका प्रयोग कम से कम किया जाए, हम ऐसे फसलों का निर्माण करते हैं आनुवंशिक रूपांतरण के द्वारा जिससे इनकी आवश्यकता ना पड़े। तीसरा, आनुवंशिक रूपांतरण खाद्य पदार्थों को की पौष्टिक स्तर में भी वृद्धि करता है, तो ये भी सही है, यानी इसका आंसर सही होगा इनमें से सभी। ठीक है, पहले का चार क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में का भाग जो पूछा गया है वो है अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगुल्ला ये जड़ता क्या होती है। तो इन सभी को हम देखते हैं सीधे नीचे आंसर्स में, क्योंकि वहाँ पर भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर होगा अनिषेक जनन क्या होता है, पिछले सेट में भी बताए थे अनिषेक। देखिए, जब किसी भी शब्द के आगे आ लग जाए यानी उसका विपरीत, निषेक का मतलब होता है निषेचन। तो जब किसी जीव का उत्पत्ति निषेचन के द्वारा होता है तब तो वो सामान्य रूप से होगा, लेकिन अगर निषेचन के आगे आ लग गया यानी उसका उत्पन्न होना बिना निषेचन के, तो जब बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से सीधे नए जीव का निर्माण हो जाता है तब इसे हम अनिषेक जनन कहते हैं, जिसके एग्जांपल हैं मधुमक्खी, रोटीफर्स, टर्की आदि। ठीक है, तो कुछ जीवों में मादा युग्मक से बिना निषेचन के ही नए जीव का निर्माण हो जाता है, इसे ही अनिषेक जनन कहते हैं, जैसे मधुमक्खी में, रोटीफर्स में, टर्कियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मंगोलियाई जड़ता क्या है, इसे किसने खोजा था। तो मंगोलियाई जड़ता को ही हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम, जो अभी ऊपर आपसे पूछा गया था। तो मंगोलियाई जड़ता क्या होती है, यह एक आनुवंशिक रोग होता है जिसकी खोज की थी सर्वप्रथम लैंगडन डाउन ने, और इन्हीं के नाम पर इस रोग का नाम रख दिया गया था। लैंगडन डाउन ने सबसे सर्वप्रथम इस रोग की खोज की थी, और ये रोग किसके कारण होता है, 21वें गुणसूत्र में एकाधि सूत्रता के कारण होता है। और इस रोग में क्या हो जाता है, बच्चा आनुवंशिक रोग से ग्रसित हो जाता है, उसका माथा चौड़ा हो जाता है, गर्दन छोटी हो जाती है, हाथ पैर छोटे हो जाते हैं, और मंद बुद्धि का होता है, और वो स्टेराइल भी होता है यानी संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता। तो ठीक है, इस रोग को मंगोलियन जड़बुद्धिता या मंगोलिज्म भी कहते हैं। इस रोग का वर्णन सर्वप्रथम 1866 में लैंगडन डाउन ने किया था। कारण क्या है, यह रोग 21वें गुणसूत्र के एकाधि सूत्रता के कारण होता है, इसमें 21वें जोड़े में
एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, जिससे कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, 47। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46। लेकिन चूंकि यहाँ एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है, इसलिए इस क्या हो जाता है, टोटल गुणसूत्र की संख्या 47। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सेब को एक आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो आपको पहले भी बताया गया है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। आभासी फल ही का मतलब होता है फाल्स फ्रूट। देखिए, जो फल होते हैं वो विकसित होते हैं अंडाशय से। फल किससे विकसित होते हैं, फल विकसित होते हैं अंडाशय से। लेकिन जब फल अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से विकसित हो जाए, तब ऐसे फलों को हम सत्य फल नहीं कहेंगे, तब उन्हें हम फाल्स फ्रूट यानी आभासी फल कहते हैं। आभासी फल, फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से। लेकिन अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग, पुष्प के किसी अन्य भाग से अगर फल का निर्माण हो जाता है, तो ऐसे फलों को हम आभासी फल कहते हैं। ठीक है, अब सेब जो है, सेब का निर्माण होता है पुष्प के थैलमस से यानी पुष्पासन से, तो ये क्या हुआ, एक आभासी फल हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि एक द्विरज्जी की डीएनए में 20% साइटोसिन है, तो डीएनए में मिलने वाले एडनिन की प्रतिशत की गणना कीजिए। तो ये प्रूफ है कि किसी भी डीएनए में जितनी मात्रा एडनिन की होगी, उतनी ही मात्रा किसकी होगी, थाइमिन की होगी। ये भी प्रूफ है कि जितनी मात्रा साइटोसिन की होगी और उतनी ही मात्रा किसकी होगी, ग्वानिन की। तो चूंकि पूरे डीएनए में केवल 4 प्रकार के ही नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी बी कहाँ से आ गया, मैथ याद आ गया हमको, ए प्लस टी प्लस सी प्लस जी, यानी एडनोसिन प्लस थायमिन प्लस साइटोसिन प्लस ग्वानिन, यानी टोटल 4 प्रकार के क्षारक डीएनए में पाए जाते हैं। और अगर मान लेते हैं कि किसी डीएनए में कुल क्षारकों की संख्या 100 है, तो इसका फॉर्मूला यही तो बनेगा कि 100 नाइट्रोजन क्षारक हैं, तो इतने इतने हो सकते हैं, एडनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन सबको मिलाकर 100 हैं। तो आपको ये भी पता है कि एडनिन की मात्रा थायमिन के बराबर होती है, साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन की मात्रा के बराबर होती है। यहाँ पर दिया है 20% साइटोसिन है, हमें एडनिन निकालना है, निकल नहीं जाएगा। देखिए 20% साइटोसिन है, यहाँ पर देखिए साइटोसिन कितनी है, 20%। तो जब साइटोसिन 20% है, तो साइटोसिन किसके बराबर होता है, ग्वानिन के। तो ग्वानिन भी कितना होगा, 20%। तो देखिए साइटोसिन और ग्वानिन की मात्रा हमें पता चल गई, तो ये कितनी होगी, 40 टोटल। 100 में से 40 क्या है, साइटोसिन और ग्वानिन। अब बचा 60, 100 में से 40 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 60। 60 कितना है, एडनिन और थाइमिन है। तो चूंकि एडनिन और थाइमिन एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 2A बराबर 60, अतः A बराबर 30%। यानी जितना एडनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, तो एडनिन 30% होगा, थाइमिन 30% होगा। सिंपल यहीं से देख लीजिए भैया कि 20% साइटोसिन है, 20% साइटोसिन है, तो जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा, यानी 20 ये हो गए। तो 20 40 हो गया, 100 में से 40 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 60। अब बताइए 60 फल किन्हीं दो में बांटना है, बराबर बराबर मात्रा में, चूंकि दोनों बराबर हैं, तो बराबर बराबर मात्रा में अगर बांटना है 60 फलों को, तो कितना जाएगा, 30 इनके पास जाएगा और 30 इनके पास जाएगा। हो गया, आया समझ में, एडमिन की प्रतिशतता कितनी आ गई, 30%। ठीक, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप कर ले जाओगे। बस याद रखना कि डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक 4 पाए जाते हैं, एडनिन थाइमिन साइटोसिन और ग्वानिन। और ये याद रखना कि इन सभी को मिलाकर टोटल जितने भी नाइट्रोजन क्षार उसमें डीएनए में दिए होंगे, उसके बराबर होगा। एडनिन की मात्रा थायमिन के बराबर होती है, साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जैव प्रबलीकरण का क्या अर्थ है, व्याख्या कीजिए। तो देखिए जैव प्रबलीकरण का मतलब क्या होता है, प्रबल करना, किसी भी जीव को प्रबल करना। यहाँ पर ज़्यादातर हम बात करते हैं फसलों की, फसलों को प्रबल करना, चूँकि बहुत सारे ऐसे फसल होते हैं जिनमें जो प्रोटीन है या स्वास्थ्यवर्धक वसा है, इनकी कमी होती है, तो इनको हम बढ़ाने के लिए, विटामिन मिनरल इन सबको बढ़ाने के लिए हम किसी फसल में जो भी परिवर्तन करते हैं, जिससे कि इनमें खनिज युक्त और विटामिन वसा ये सब अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो, इसी प्रक्रिया को कहते हैं जैव प्रबलीकरण, बायोफोर्टिफिकेशन। जन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए विटामिन तथा खनिज युक्त उच्च प्रोटीन तथा स्वास्थ्यवर्धक वसा वाली प्रजनित फसलों का विकास ही जैव प्रबलीकरण कहलाता है। कृषि वैज्ञानिकों ने मक्का की नई किस्में विकसित की हैं, जिनमें अमीनो अम्ल लाइसिन की मात्रा अधिक है, जैसे यहाँ पर GSA लिखा है ना, जैसे होगा, जैसे शक्ति, रतन आदि किस्में। ठीक है, मक्का की ये किस्में हैं शक्ति और रतन, इनको विकसित किया गया है इस उद्देश्य से कि इनमें अमीनो अम्ल लाइसिन की मात्रा
अधिक हो। ठीक है, फिर देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने बहुत सी सब्जियों को की फसलों का मोचन किया है जिनमें विटामिन तथा खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं, जैसे गाजर, पालक एवं कद्दू में विटामिन ए, करेला, बथुआ, सरसों और टमाटर में विटामिन सी, पालक और बथुआ में आयरन और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दो चार बार ऐसे बोल दिए तो जैसे लगेगा सब्जी बेच रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे का क्या है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं, इसके कृषि में उपयोग का वर्णन कीजिए। ये भी हर सेट में लगभग लगभग आया है। पुनर्योगज डीएनए क्या होता है, मैंने आपको बताया था किसी भी जीव का अगर हम डीएनए में फेरबदल कर देते हैं और उसमें आनुवंशिक लक्षण प्रदर्शित होने लगता है जो हम वांछित लक्षण चाहते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहते हैं। और इस प्रक्रिया से बने जीव को हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ या परजीवी जंतु। वैज्ञानिकों द्वारा डीएनए अर्थात आनुवंशिकी पदार्थ में संरचना में आवश्यकता अनुसार फेद बदल करने को जीन मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी को रिकॉम्बिनेंट तकनीक भी कहते हैं क्योंकि इसमें दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए को जोड़कर एक डीएनए बनाया जाता है और बैक्टीरिया में पहुंचाकर इसकी अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं। इस प्रकार दो अलग अलग स्रोत के डीएनए खंडों के जुड़ने से बने डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं और इनके जुड़ने की प्रक्रिया को पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, दो अलग अलग डीएनए से के जुड़ने से बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्वेश्चन आपसे सेट 4 में पूछा गया है कि दो एक वाई डीएनए और एक संवाहक डीएनए को जोड़कर कौन सा डीएनए बनता है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कृषि में प्रयोग पूछा गया था, तो कृषि में क्या प्रयोग है जैव प्रौद्योगिकी का। हम जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऐसे फसलों का विकास करते हैं जो अजैविक प्रतिबलों के प्रति अधिक सहिष्णु होते हैं, पीड़क प्रतिरोधी फसल तैयार कर सकते हैं, कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को कमी कर सकते हैं, पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं, उच्च पोषक गुणवत्ता वाली फसलों का विकास कर सकते हैं, औद्योगिक उत्पाद वाली फसलों का विकास कर सकते हैं। ठीक है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सहभोजिता यानी कॉमन सेलिज्म को परिभाषित कीजिए तथा एक उदाहरण दीजिए। सहभोजिता क्या होती है, तो आपको बताया गया है कि जब दो जीव साथ साथ रहते हैं लेकिन उसमें सिर्फ एक जाति को ही लाभ होता है और दूसरे को ना लाभ ना हानि, तो इस सह संबंध को हम सहभोजिता यानी कॉमन सेलिज्म कहते हैं। जैसे आम की शाखा पर अधिपादप यानी इपिफाइट के रूप में उगने वाला आर्किड पौधा, तो आर्किड पौधे को तो लाभ हो रहा है क्योंकि उसकी शाखा पर चढ़ रहा है, उसको जितनी ऊंचाई चाहिए ऊंचाई पर जा रहा है और उससे सनलाइट उसको आराम से मिल रहा, तो इसको तो लाभ हो रहा है लेकिन आम को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा या नुकसान भी नहीं हो रहा। इसी तरीके से व्हेल जो है, व्हेल मछली, इसकी पीठ पर एक छोटी सी मछली चिपकी होती है जिसका नाम है बारनेकल। अब बारनेकल को अब व्हेल से फ़ायदा हो रहा है क्योंकि व्हेल की सवारी करने को मिल रहा, मतलब मौज मस्ती के लिए नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए व्हेल के पीठ पर चिपका रहता है, इसको वहाँ उसको खाने पीने सारी समस्याएं इसकी दूर हो जाती हैं व्हेल के पीठ पर रह के, यानी इसको तो लाभ हो रहा है लेकिन व्हेल को कोई लाभ नहीं है बारनेकल से, चिपको या ना चिपको। ठीक, तो इसी को कहते हैं सहभोजिता, जब ऐसी पारस्परिक प्रक्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को ना लाभ ना हानि, तो इसे हम सहभोजिता कहते हैं। जैसे आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाला आर्किड और वेल की पीठ को आवास बनाने वाला बारनेकल को फ़ायदा होता है जबकि आम के पेड़ और वेल को उनसे ना कोई लाभ होता है ना कोई हानि। ठीक, इसी प्रकार से एक और है, मवेशी पक्षी बगुला और चारण पशु निकट सहचर में रहते हैं। देखिए यहाँ पर जो पक्षी बगुला है ना वो मवेशियों के साथ साथ रहते हैं, पशुओं के साथ, चारण पशुओं के साथ, जो पशु चरते हैं जैसे गायें भैंस, ठीक है, जो भी पशु जो चरते हैं बकरी वकरी, इनके साथ साथ ये बगुला उनके पीछे पीछे चलती रहती है। पता है क्यों, क्योंकि जब ये पशु चरते हैं तो इनके चरने से जो घास में छिपे छोटे जीव होते हैं वो निकल आते हैं बाहर, क्योंकि वो घास को उखाड़ उखाड़ कर खाते हैं, उससे केंचुए या जो भी दीमक वगैरह जो भी छोटे छोटे कीट मकौड़े हैं वो बाहर निकल आते हैं, बगुला उनके पीछे पीछे चलती रहती है और जैसे जैसे वो कीट मकौड़े निकलते रहते हैं उनको ये खाती रहती है। ठीक, यहाँ पर लिखा है कि यह सहभोजिता का उत्कृष्ट उदाहरण है जहाँ पशु चढ़ते हैं तो वनस्पति को हिलाते हैं और उसमें से कीट बाहर निकलते हैं, बगुले उन कीटों को खाते हैं, अन्यथा वनस्पति कीटों को ढूंढना और पकड़ना बगुलों के लिए कठिन होता है। सहभोजिता का दूसरा उदाहरण समुद्री एनिमोन के दंश स्पर्शक होते हैं जिसके बीच रहने वाली एक क्लाउन मछली होती है, मछली को परभक्षियों से सुरक्षा मिलती है जो दंशन स्पर्शकों से दूर रहते हैं, क्लाउन मछली से एनिमोन को कोई लाभ नहीं मिलता। ठीक है, अब देखिए समुद्री एनिमोन का जो स्टिंगिंग टेंटिकल्स हैं यानी दंश वाले स्पर्शक हैं, कह सकते हैं कांटे निकले होते हैं, इन कांटों के बीच में क्लाउन फिश जाकर छिपी रहती है। इससे क्या होता है कि क्लाउन फिश को कोई और मछली आकर खा नहीं सकती क्योंकि वो ऐसी जगह पर है जहाँ कांटे हैं,
तो इस प्रकार से मछली को परभक्षियों से सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन समुद्री एनीमोन के इससे कोई फ़ायदा या लाभ नहीं होता या नुकसान नहीं होता। बस नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, वाहितमल से आप क्या समझते हैं, वाहितमल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है। तो इसके बारे में भी पहले बताया गया था, वाहितमल क्या होते हैं, हमारे घरों के द्वारा निकले जो गंदे पानी हैं वो नालियों में जाते हैं, इन नालियों के पानियों को नदी में सीधे छोड़ा जाना उचित नहीं होता, क्योंकि इनमें बहुत सारे दूषक पदार्थ होते हैं जिनको साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसका साफ किया जाता है वाहितमल संयंत्र के अंतर्गत। अब इसमें वाहितमल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है तो इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे हानिकारक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो नदी के स्रोतों में पहुंचकर नदी को दूषित करते हैं। मछलियां भी दूषित होंगी और साथ साथ अगर उस नदी के जल का प्रयोग मनुष्य करता है तो मनुष्य भी दूषित हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए द्विकुंडलीय डीएनए मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। तो वाटसन एवं क्रिक द्वारा ये पिछले सेट में भी बताया गया था, यही डीएनए मॉडल दिया था उन्होंने, ये सब याद रखिएगा। डीएनए मॉडल की विशेषता क्या होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है, व्यास होती है, वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है, एक पिच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, यहाँ नैनोमीटर में दिया गया है, हम एंगस्ट्रॉम में बता रहे हैं तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। दो नाइट्रोजन क्षारकों के बीच की दूरी 3.49 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, इस तरह से आप इन सब बातों को ध्यान में रख के इसका फिगर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। प्रतिरक्षी अणु का मतलब होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एक कैपिटल वाई इसकी संरचना होती है जिसमें दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला नहीं कह सकते, चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। देखिए, एक ये है, दो हो गया, तीन, चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है जिसमें से दो बड़े होते हैं और दो छोटे होते हैं। तो जो दो बड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं हैवी चेन और जो दो छोटे होते हैं उन्हें हम कहते हैं लाइट चेन, हैवी चेन और लाइट चेन। इसी वजह से इसे हम H2L2 भी कहते हैं, H2L2, ठीक, डिनोट करते हैं। तो ये बना लीजिएगा, ये जो ये यहाँ पर और भी चीज़ बता दें, यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं, ये जो देख रहे हैं ना, ये है एंटीजन बाइंडिंग साइट एंटीबॉडीज़ में, ये सब ध्यान रखेंगे, ऐसे ऐसे बना होता है। इनमें डाइसल्फाइड बंध भी होते हैं, ये सब डाइसल्फाइड बॉन्ड हैं, इसको भी बनाना मत भूलिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, इसको बनाइए चाहे ना बनाइए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला फिगर जो है वो दिखा रहा है एंटीजन कैसे जुड़ता है, लेकिन आपसे सिर्फ प्रतिरक्षी का पूछा गया तो प्रतिरक्षी का आपसे बनाइएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, बंध दंपत्तियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। पहले ये समझ लेते कि बंधता होती क्या है, स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी। बंधता मतलब कि कोई ऐसी दंपत्ति है जिनका विवाह हो गया है, हस्बैंड एंड वाइफ, उनमें संतान उत्पन्न नहीं हो रहा, शादी के काफ़ी टाइम होने के बावजूद वे असुरक्षित यौन संबंध बनाने के बावजूद भी बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे, तो इसका कारण होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफेक्ट है, आइदर मेल और फीमेल, यानी नर या मादा किसी में भी। तो हम पहले ये डिटेक्ट करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और उस प्रॉब्लम के अनुसार हम सॉल्यूशन देते हैं, और इस प्रकार से हम उन दंपतियों को संतान प्राप्त करने में मदद दे सकते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं जिनमें आता है पात्र निषेचन यानी IVF। IVF में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि निषेचन के द्वारा जो भ्रूण है वो बनता है उसे हम सीधे ही ग्राही मादा के गर्भाशय में अंतरोपित कर देते हैं, यानी हम क्या करते हैं लैब में भ्रूण बनाते हैं और उसे ले जाकर सीधे हम स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर देते हैं। इसके लिए हमें चाहिए क्या होता है, तो इसके लिए हमें पत्नी का अंडा चाहिए होता है और पति का हमें शुक्राणु चाहिए होता है। ठीक है, इन दोनों को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज बनाते हैं और युग्मनज से भ्रूण बनाते हैं। भ्रूण कब तक, 8 ब्लास्टोमियर तक, और फिर इसे या तो फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तब इसे हम युग्मनज अंताडिम्ब स्थानांतरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रोसेस को समझिए, हम मादा के अंडे को लेते हैं, फिर पुरुष के हम शुक्राणु के लेते हैं, और अंडाणु और शुक्राणु एक दूसरे से क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, अंडाणु और शुक्राणु एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, तो क्या बनता है, युग्मनज। अब युग्मनज विभाजित होगा, विभाजित होकर बनाता है प्रारंभिक भ्रूण। प्रारंभिक भ्रूण में 8 ब्लास्टोमियर, अगर जैसे देखिए ब्लास्टोमियर क्या होते हैं, कोशिका ही हैं। जैसे देखिए युग्मनज एक कोशिका होती है, युग्मनज में विभाजन होता है, 1 से 2 बनती है, 2 से 4, 4 से 8। तो जब 8 कोशिका वाला समूह हो जाता है तब इसे हम प्रारंभिक भ्रूण कहते हैं। और अगर हम 8 कोशिकीय समूह वाले भ्रूण को अगर हम ट्रांसफ़र करना है तो हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, फैलोपियन नलिका में ट्रांसफ़र करते हैं, और तब इस प्रोसेस को कहते हैं युग्मनज अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण। यानी जाइगोट को हम कहाँ भेज रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब में, इसीलिए हम इसे कहते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, ZIFT। और यदि भ्रूण 8 कोशिका से अधिक हो गई है
तब उसे हम कहाँ स्थानांतरित करेंगे, तब हम गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं, तब इसे हम कहते हैं अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण यानी इंट्रायूटरिन ट्रांसफर। कंडीशन होती है बाबू कि 8 ब्लास्टोमियर वाली कोशिका है तब हम उसे सिर्फ और सिर्फ फैलोपियन नलिका में ही ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर 8 से ऊपर है तब हम उसे गर्भाशय में स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक, तो ये प्रोसेस थी जिनमें किसी भी दंपत्ति को हम क्या कर सकते हैं, संतान उत्पन्न करने में मदद कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है असंग जनन क्या है, इसका क्या क्या महत्व है। देखिए, कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते फिर भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है, एक प्रकार से यह क्या है, अनिषेक फलन, क्या नहीं फलन नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पौधे का निर्माण और फल का निर्माण नहीं हो रहा, तो इसे हम असंग जनन ही कहेंगे। असंग जनन जैसे अनिषेक फलन आपने पढ़ा, अनिषेक निषेचन सॉरी अनिषेक जनन पढ़ा, बिना मादा युग्मक के निषेचन के ही नया जीव उत्पन्न हो जाता है, वैसे ही इन पौधों में भी होता है कि कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन यानी निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता फिर भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं असंग जनन, और इसी यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अलैंगिक जनन कहलाती है। अब इसके भी दो मुख्य प्रकार होते हैं, एक कायिक जनन होता है, कायिक जनन आपको बताया गया मात्र पौधे के किसी भी कायिक भाग द्वारा नए पौधे का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत बीजों के अतिरिक्त पादप के अन्य किसी भी भाग जैसे जड़ तना पत्ती या कलिका से नए पौधे का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, कायिक जनन। बीज के स्थान पर उपयोग में लाए जाने वाले पौधों के इन भागों को प्रोपेगुल्स कहते हैं। ठीक, कायिक प्रवर्ध, हिंदी में कहते हैं कायिक प्रवर्ध, उदाहरण गन्ना आलू आदि। दूसरा है अनिषेक बीजता यानी एगेमोस्पोरी, अर्थात बिना जनन के ही बीज का निर्माण हो जाए। तो देखिए यहाँ पर पौधे का निर्माण होता है, नए पौधे का निर्माण होता है, बीज का निर्माण नहीं, लेकिन अनिषेक बीजता में बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाता है। अब ये भी कई प्रकार से होते हैं, जैसे देखिए अपस्थानिक भ्रूणता, इसमें भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय अथवा अध्यावरणों की द्विगुणित कोशिकाओं से होता है, उदाहरण नीम नींबू आम संतरा प्याज। द्विगुणित बीजाणुता, इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से सीधे बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही भ्रूणकोश बन जाता है, उदाहरण पार्थिनियम। अप बीजाणुता, हालांकि इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं तक लिख के छोड़ सकते हैं अनिषेक बीजता तक। ठीक है, क्योंकि कितने नंबर का, एक दो तीन नंबर का पूछा गया तो थोड़ा बढ़ा के लिख सकते हैं एक एक लाइन में। ठीक, उसके बाद आता है अप बीजाणुता, इसमें बीजांडकाय की कोई कोशिका एक ऐसे भ्रूण का निर्माण करती है जिसके प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र द्विगुणित होते हैं, यदि ऐसे भ्रूण कोश के अंड में नर युग्मक के संयोजन से बिना अनिषेक जनन प्रकार से भ्रूण का विकास होता है तो इसे अप बीजाणुता कहते हैं, उदाहरण पार्थिनियम रैनुनकुलस आदि। अपयुग्मन है, यदि आगुणित भ्रूण कोश के अंड कोशिका के अलावा अन्य किसी दूसरी कोशिका जैसे सहायक कोशिका प्रतिमक कोशिका इनसे भ्रूण का निर्माण हो जाता है तब इसे अपयुग्मन कहते हैं। बताया गया है आपको कि एक भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं होती हैं, कुल 7 कोशिका 8 केंद्रक होते हैं, 3 कोशिका इधर होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका कहते हैं यानी एंटीपोडल सेल कहते हैं, एक कोशिका बीच में होती है जिसके पास 2 केंद्रक होते हैं उसे हम कहते हैं द्वितीयक ध्रुवीय पिंड या द्वितीय ध्रुवीय केंद्रक, और 3 कोशिका इस तरफ होती हैं जिनमें से इन 2 कोशिकाओं को कहते हैं सिनर्जिड, और एक जो बीच में कोशिका होती है इसे हम क्या कहते हैं, अंड कोशिका। तो देखिए होता क्या है, भ्रूण कोश का निर्माण किससे होता है, अंड कोशिका से, लेकिन जब अंड कोशिका के अतिरिक्त यानी इससे इसके अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका या प्रतिमुख कोशिका इन सभी से अगर भ्रूण का निर्माण हो जाता है तब इसे हम अपयुग्मन कहते हैं, और ये होता भी है, इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं जैसे एरिथ्रियम और लिलियम आदि में। आइए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखें। तो ये नया क्वेश्चन है जो शायद किसी अभी सेट में नहीं पूछा गया है, सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, एक्टिव इम्यूनिटी। देखिए होता क्या है कि जब हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न होता है तो हमारे शरीर की जो विशिष्ट कोशिकाएं हैं लिम्फोसाइट, वे प्रतिरक्षी का निर्माण करना शुरू कर देती हैं खुद ब खुद, और वे प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आए हुए किसी भी रोग कारक को मारने में सक्षम होती हैं, मार देती हैं, तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। लेकिन यदि अगर हमारे शरीर में कोई रोग कारक जीव है और हमें पहले से बना बनाया कोई प्रतिरक्षी अणु दे दिया जाए इंजेक्शन के माध्यम से या मुंह के माध्यम से तब इसे हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, यानी अगर शरीर में कोई प्रतिरक्षी अणु उत्पन्न हो रहा है तब वह सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है, और अगर हम बाहर से प्रतिरक्षी को देते हैं तब इसे हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। आइए देखते हैं कि जब परपोषी प्रतिजनों को सामना करती है, प्रतिजनों मतलब एंटीजन यानी रोगजन रोग कारक जैसे जीवाणु कवक ये सभी, ठीक है, तब हम इसे क्या कहते हैं, प्रतिजन, और इसके विरुद्ध हमारे शरीर में प्रतिरक्षा पैदा होता है। प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीनों के रूप में हो सकते हैं, इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है,
लेकिन पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है, ठीक है। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में देखें तो जब शरीर की रक्षा के लिए बनाए प्रतिरक्षे सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है, ठीक। जैसे दुग्ध श्रावण के आरंभिक दिनों में माँ द्वारा स्रावित पीले रंग का जो तरल होता है उसे जिसे हम पीयूष या कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसमें प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी IgA की मात्रा बहुत होती है, यह शिशु की रक्षा करता है। सगर्भता यानी प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूणों को भी अपरा द्वारा माँ से कुछ प्रतिरक्षी मिलते रहते हैं, ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आता है अनुकूली विकिरण को परिभाषित कीजिए, उपयुक्त उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। अनुकूली विकिरण या एडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है? तो जैसे देखिए, होता क्या है कि किसी एक स्थान पर कोई जीव है और मान लेते हैं कि उस स्थान पर वातावरण अनुकूल ना हो रहा, प्रतिकूल वातावरण आ गया, तब वे उस स्थान को छोड़कर, उनमें से कुछ उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चली जाती हैं। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, कोई भी जाति एक जगह पर स्थिर नहीं होता, वे पृथ्वी के अलग अलग भागों में विस्तृत होती रहती हैं और वहाँ के वातावरण के अनुसार वे परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई एक स्थान पर कोई पक्षी का समूह शाकाहारी था, तब तक शाकाहारी था जब तक उसे सारी फल वगैरह मिलती गई, बीज वगैरह मिलता गया, वो खाती रहीं, और फिर वहाँ से हो सकता है कुछ पक्षी समूह निकल कर किसी अन्य स्थान पर गई हों पृथ्वी के, और हो सकता है कि वहाँ पर फल बीज ये सब ना रहा हो, तब वे अपने जीवन को अपने आप को जीवित रखने के लिए वे क्या करने लगी, मांस को खाने लगी, यानी मांसाहारी हो गई, कीट खाने लगी, कीट भक्षी हो गई। तो ये क्या कहलाता है, इसी को कहते हैं अनुकूली विकिरण, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाव और उनमें उस वातावरण के अनुसार बदलाव, इसी को कहते हैं अनुकूली विकिरण। तो एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को ही अनुकूली विकिरण कहते हैं। इसका वर्णन निम्नवत है, डार्विन के फिंचे, इसका थ्योरी भी डार्विन ने ही दिया था। डार्विन क्या कहते हैं कि इन्होंने दक्षिण अमेरिका के पास एक द्वीप था जिसका नाम था गैलापागोस, उस द्वीप पर वहाँ गए और उन्होंने जीव जंतु और पादप समूहों में अंतर देखा, उनका निरीक्षण किया और फिर वहाँ पर पाया उन्होंने एक फिंच पक्षी जो बीज भक्षी थी, ठीक। तो डार्विन ने यहाँ मिलने वाले बीज भक्षी फिंच का अध्ययन किया, इसमें उन्होंने पाया कि ये फिंच बीज भक्षी विशेषताओं के साथ साथ अन्य स्वरूप में बदलाव के साथ अनुकूलन करती है और चोंच के ऊपर उठने जैसे परिवर्तन इसे कीट भक्षी तथा शाकाहारी भक्षी बना देते हैं। यानी कि बीज भक्षी थी, बीज भक्षी बीज को खाने के लिए छोटे चोंच की आवश्यकता होती है, तो छोटे चोंच वाली फिंच थी। अब चूंकि हो सकता है ये पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई हो और वहाँ पर उन्हें शाकाहार ना मिला हो और उन्हें मजबूरन कीटों को खाना पड़ा हो, तो धीरे धीरे वे कीटों को खाते खाते वो क्या हो गए, मांसाहारी। और चूंकि मांस को फाड़ने के लिए चोंच और बड़े होने चाहिए तो उनके चोंचों में भी परिवर्तन होने लगा, चोंच ऊपर उठने लगे, बड़े होने लगे, ठीक। इसी को कहते हैं अनुकूली विकिरण। गैलापागोस द्वीप पर जियो स्पीजिडी वंश की लगभग 20 फिंच प्रजातियां पाई जाती हैं जिन्हें डार्विन के फिंच कहते हैं। इसकी एक प्रजाति दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप पर भी मिलती है। डार्विन के अनुसार ये फिंच दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप से इन द्वीपों पर पहुंची हैं। यानी डार्विन क्या मानना था कि डार्विन का मानना था कि जो गैलापागोस द्वीप है उस पर दक्षिण अमेरिका से ही आए हुए हैं ये फिंच, यानी ये जो फिंच थे वो दक्षिण अमेरिका में पाए जाते थे और वही फिंच चले गए थे गैलापागोस द्वीप पर और गैलापागोस द्वीप पर उन्हें वो वातावरण, वो खाद्य पदार्थ नहीं मिला, इसलिए उनमें परिवर्तन आ गया। यानी दक्षिण अमेरिका में जब तक ये फिंच की प्रजातियां थीं वे बीज खाती थीं और वे जब गैलापागोस द्वीप पर गईं तो बीज फल नहीं मिला तो वे मांसाहार हो गईं, बस यही बताता है अनुकूली विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए तथा एक एक उदाहरण दीजिए। परजीविता क्या होता है? पहले भी बताया गया है, परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, जैसे आपके सर पर पड़े हुए जूए, तो ये विषमपोषी जीव हैं जो अपने परपोषी के शरीर से आहार प्राप्त करते हैं। परजीवी विकल्पी अविकल्पी दो प्रकार के होते हैं, बताया गया था। विकल्पी परजीवी ऐसे परजीवी होते हैं जिनके पास ऑप्शन होता है कि मान लो परपोषी है तो ठीक है, नहीं है तो हम किसी और से खाना प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अविकल्पी ऐसे होते हैं जो अगर परपोषी उनका नहीं है तो वो भी विलुप्त हो जाते हैं, ठीक। उसके एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, बताया गया। साहूकारिता क्या होता है? म्यूचुअलिज्म। तो साहूकारिता को हम कह सकते हैं, सहजीवन भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा सहसंबंध होता है जिसमें दो जीव साथ साथ रहते हैं और दोनों को लाभ होता है, जैसे लाइकेन बताया गया है, कवक और शैवाल का सहसंबंध, जैसे कवक मूल माइकोराइजा कवक और उच्च पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं। लेग्यूम राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस पौधों जैसे चना मटर की जड़ों में पाए जाते हैं। तो ये सहसंबंध क्या कहलाता है?
साहूकारिता, सिंपल एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं साहूकारिता म्यूचुअलिज्म को, जब दो भिन्न भिन्न प्रजातियां एक दूसरे के साथ रहती हैं और साथ साथ एक दूसरे को लाभ पहुंचाती हैं, तो इसी सहसंबंध को हम साहूकारिता कहते हैं। उदाहरण लाइक केन, कवक मूल, लेग्यूम, राइजोबियम आदि। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, शुष्कतारंभी अनुक्रम का संक्षेप में वर्णन कीजिए। शुष्कतारंभी यानी जीरोफाइटिक अनुक्रमण को कहते हैं सक्सेशन, जीरोफाइटिक सक्सेशन। तो शुष्कतारंभी यानी ऐसा स्थान जो बहुत शुष्क हो, जहाँ जल की मात्रा ना हो, वहाँ पर धीरे धीरे अनुक्रमण हो। अनुक्रमण का मतलब होता है बदलाव। ऐसे मान ले खाली चट्टान है, खाली चट्टान जहाँ पर बिल्कुल भी पानी वगैरह नहीं है, अब वो खाली चट्टान धीरे 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 समय बीतते बीतते 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल में वो किस में परिवर्तित हो गया, जंगल में परिवर्तित हो जाए, तो इसी को कहते हैं अनुक्रमण। और चूँकि शुष्क स्थान पर हुआ इसलिए इसे हम कहते हैं शुष्कतारंभी अनुक्रमण। तो हम यहाँ पर बताते हैं आपको कि यह जल के अत्यधिक अभाव वाले शुष्क स्थानों पर होने वाला अनुक्रम है, जैसे नग्न चट्टान, पवन वाहित रेत, मरुस्थल आदि। इस प्रकार का वास स्थान जीवों के लिए प्रतिकूल है, क्योंकि यहाँ खाद्य पदार्थों के संचित करने की कोई व्यवस्था नहीं रहती। मरुक्रमक की विभिन्न अवस्थाएँ निम्नलिखित हैं। मरुक्रमक में पहले क्या आते हैं, पहले आते हैं क्रस्टोज लाइकेन। क्रस्टोज लाइकेन होते हैं, लाइकेन क्या होते हैं, चट्टानों पर उगते हैं और चट्टानों पर कुछ रासायनिक एंजाइमों को स्राव करते हैं, जिससे चट्टानों की दीवारों पर दरार पड़ते हैं, चट्टान टूटते हैं। चट्टानों के टूटने फूटने से मृदा का निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। जब मृदा बनती है तब धीरे धीरे अन्य लाइकेन उस पर उगने लगते हैं, धीरे धीरे लाइकेन और फैलाव करते हैं, चट्टानों पर उगते हैं, चट्टान और टूटता है। जैसे जैसे चट्टान टूटता है वैसे वैसे मृदा का निर्माण होने लगता है, और जैसे जैसे मृदा अधिक होगी वैसे वैसे वहाँ पर अधिक अलग अलग प्रकार के पौधे उत्पन्न होने लगेंगे। यानी लाइकेन के बाद आते हैं उसमें मांस उगने लगते हैं, जैसे पॉलिट्रिकम, ग्रीमिया आदि। फिर धीरे धीरे शाकीय पौधे वहाँ पर आते हैं, साक वाले पौधे जैसे अरिस्टिडा, पोया, एल्यूसिन आदि। फिर धीरे धीरे झाड़ी वाले पौधे आने लगते हैं, जो झाड़ी वाले होते हैं ना, घने झाड़ी वाले, जैसे जिजाइफस, कैपेरिस आदि। नेक्स्ट चरम अवस्था। चरम अवस्था में लास्ट में क्या होता है कि सब पूरा क्षेत्र बड़े बड़े वृक्षों से ढक जाता है और क्या बन जाता है, जंगल। तो चरम अवस्था किसमें परिवर्तित हो जाती है, जंगल में। इसी को कहते हैं शुष्कतारंभी अनुक्रमक। यहाँ पर फिगर दिया गया है, देखिए यहाँ पर क्या था, शुरुआत में क्या था, सिर्फ चट्टान ही चट्टान था। धीरे धीरे चट्टान पर लाइकेन उगते हैं, लाइकेन से छोटे छोटे और लाइकेन, अलग अलग मॉस पौधे, फिर छोटे छोटे शाकीय पौधे, फिर झाड़ी वाले पौधे और अंततः बड़े पौधे, उच्च पौधे उगाते हैं। यानी ये जो क्षेत्र था इतना, जो पहले कभी चट्टानीय था, अब क्या हो गया, जंगली हो गया, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आता है अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। तो अब इतना ईजी क्वेश्चन, अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही जनक भाग लेता है, मान लो कि अमीबा है, अमीबा में एक ही उसका केंद्रक है और यही केंद्रक विभाजित होता है, और जब देखिए केंद्रक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसी का केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रक बना दिया, यानी जो डीएनए इसमें था वही डीएनए इसमें, वही डीएनए इसमें। आप बताइए डीएनए क्या करता है, शरीर के बनावट, शरीर के समस्त क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। तो जैसा शरीर इसका होगा, किसके कारण, इस डीएनए के कारण, तो वही डीएनए इसमें भी है, वही डीएनए इसमें भी है। अब ये डीएनए जब दो अलग अलग प्राणियों में जाएगा, यानी एक अमीबा से जब दो अमीबा बनते हैं, तो देखिए वही डीएनए इसमें आया, वही डीएनए इसमें आया, यानी जो डीएनए माता का, सॉरी पिता का था, या माता का कह सकते हैं, वही इसके पास आया, पुत्री के पास, यही उसके पास आया। यानी जैसा शरीर इसका बनेगा वैसा ही शरीर इसका बनेगा, वैसा ही शरीर इसका बनेगा। तो आपस में ये क्या होते हैं, एकदम समरूप दिखाई देते हैं। इसीलिए अब समरूप का मतलब क्या होता है कि एकदम समान दिखाई दें। अब एकदम समान चीज़ों को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। जैसे आईफोन का क्लोन पता है ना, नकली और असली आईफोन। तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें एक ही जनक भाग लेता है और इस विधि में वयस्क बनने के बाद जीव अपने हूबहू प्रतिलिपियों में के रूप में संततियां उत्पन्न करता है। अतः जनक तथा संततियों के बीच आनुवंशिक पदार्थ लक्षणों में कोई अंतर नहीं होता, यानी डीएनए और उसके लक्षण में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए ऐसी संततियों को हम क्लोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जीन चिकित्सा क्या है। मानव में एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए जीन चिकित्सा पद्धति का वर्णन कीजिए। देखिए जीन चिकित्सा क्या होती है, जब हमारे शरीर में कोई रोग हो और वो रोग किसी जीन के डिफेक्ट के कारण होता है, और हम आनुवंशिकी के द्वारा यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं, उस जीन में सुधार ला दें, तो इसी को कहते हैं जीन चिकित्सा।
जब शरीर की कोशिका में उपस्थित जीन को सही किया जाता है, सुधार किया जाता है, तब इसे हम जीन चिकित्सा कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी आनुवंशिक रोग के साथ पैदा हुआ है तो उस आनुवंशिक विकार को दूर करने के लिए उस रोग के संबंधित असामान्य जीन का प्रतिस्थापन सामान्य जीन से करना होगा। यही प्रयास जीन चिकित्सा कहलाती है। अर्थात आनुवंशिक रोग की चिकित्सा के लिए रोगी की कोशिकाओं और ऊतकों में उस रोग की सामान्य क्रियाशील जीन को प्रविष्ट कराने या असामान्य जीन में आवश्यक सुधार या परिवर्तन लाने की विधि को जीन चिकित्सा कहते हैं। अब ADA की कमी से रोग पूछा गया था कि देखिए, जीन चिकित्सा का सबसे पहला प्रयोग भी ऐसी 4 वर्षीय बालिका पर किया गया था जो ADA से ग्रसित थी। ADA क्या होता है? एक एंजाइम होता है, और ये एडिनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम है बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के लिए है। अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र सही से कार्य नहीं करती, बहुत वीक हो जाती है। और ये होता है, अब ये एंजाइम जो है वो बनता है किसी एक जीन्स के द्वारा। अब वो जीन अगर डिफेक्ट है तो ये एंजाइम उसमें नहीं बनेगा, और हम अगर चाहें कि उस जीन को हम बदल दें और उस डिफेक्टेड जीन को हम सही डीएनए से, सही जीन से प्रतिस्थापित कर दें, तो उस व्यक्ति में उस एंजाइम का निर्माण होने लगेगा, तो समस्या ख़त्म हो जाएगी। यही कहलाता है जीन चिकित्सा। तो SCID इसे कहते हैं, एडनोसिन डीएमिनेज से होने वाले रोग को कहते हैं SCID, यानी गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता रोग, सेवर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशेंसी डिजीज। यह एक प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करने वाला दुर्लभ रोग है। इसको बबल बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। यह रोग एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित एक जीन जो एडनोसिन डीएमिनेज के संश्लेषण हेतु उत्तरदायी है में उत्परिवर्तन के कारण होता है। बताया ना, एडिनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम है जिसका निर्माण करती है एक जीन, और इसी जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है, इसी के कारण इसका निर्माण नहीं होता शरीर में। तो इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था 4 वर्षीय बालिका में जो एडिनोसिन से ग्रसित थी, एडिनोसिन उसके शरीर में नहीं बनता था। अब यह एंजाइम चूँकि प्रतिरक्षा तंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, तो ADA से संबंधित जो जीन में गड़बड़ी होने के कारण SCID रोग उत्पन्न होता है। इस प्रकार के रोगी में क्रियाशील टी लिम्फोसाइट अनुपस्थित होता है, इसके कारण प्रतिरक्षा तंत्र रोग जनकों से लड़ने में सक्षम नहीं होता। कुछ बच्चों में ADA की कमी का उपचार अस्थिमज्जा के प्रतिरोपण से भी हो सकता है, जबकि कुछ में एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों ही पूर्ण नैदानिक नहीं होती, यानी बार बार इसको कराने की आवश्यकता पड़ती है। अब इसके लिए हम जीन चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। जीन चिकित्सा में क्या करते हैं? सर्वप्रथम उस रोगी के रक्त से लिम्फोसाइट यानी लसीकाणु को निकालकर शरीर के बाहर संवर्धित किया जाता है, यानी इनको क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है लैब में। फिर ADA जीन को स्वस्थ मनुष्य की लसिका कोशिका से निकालकर सक्रिय ADA जीएनए को रेट्रोवायरस में प्रवेश कराया जाता है। रेट्रोवायरस यहाँ पर क्या करता है, एक वेक्टर का काम करता है, ADA जीन को ले जाने का कार्य करता है, और इसको फिर रेट्रोवायरस को हम संवर्धित लसीकाणु, जो रोगी के शरीर से निकाले हुए लसीकाणु थे उनमें हम क्या करते हैं, प्रवेश करा देते हैं। अब रोगी के शरीर में स्वस्थ जीन पहुँच गया तो अब रोगी के शरीर में क्या होता है, वह लसीकाणु से ADA एंजाइम का निर्माण होने लगता है। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ होती है, ये जो लसीकाणु होती हैं जिनमें हम स्वस्थ जीन को इंजेक्ट किए हैं, ये ज़्यादा दिन तो जीवित नहीं रहती, मृत प्राय होती हैं। इसलिए आनुवंशिकता निर्मित लसीकाणु को समय समय पर रोगी के शरीर से अलग करने की आवश्यकता होती है, और उसको फिर वही प्रोसेस रिपीट कर करके वापस उसके शरीर में लसीकाणु प्रवेश कराया जाता है। अब इसका एक सही जो निदान है वो ये कि अगर हम इस प्रोसेस को भ्रूणीय अवस्था में कर दें तो यह एक स्थायी उपचार हो जाता है। अगर हम उसके भ्रूणीय अवस्था में ही उस जीन को इंजेक्ट कर दें तो हमेशा के लिए प्रॉब्लम ख़त्म। वो जैसे जैसे कोशिका बढ़ेगी वैसे वैसे उसके शरीर में ADA एंजाइम का निर्माण होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्णांधता क्या है? यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है तो इस दंपत्ति के पुत्रों में प्रासामान्य दृष्टि का क्या अनुपात होगा? देखिए, वर्णांधता क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। होता क्या है कि कुछ ऐसे जीन होते हैं हमारे शरीर में जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यह एक अप्रभावी जीन द्वारा नियंत्रित होता है, लिंग संलग्न होता है, यानी इसका जीन कहाँ पाया जाएगा, लिंग गुणसूत्र पर। अब वो कौन से गुणसूत्र पर पाया जाता है, एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है, वाई गुणसूत्र पर इसका जीन नहीं पाया जाता। यानी हम क्या कह सकते हैं कि वर्णांधता एक अप्रभावी एक्स संलग्न लक्षण है, यानी वर्णांधता एक ऐसे जीन की गड़बड़ी के द्वारा कारण होता है जो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होती है। ठीक, अब इस रोग में होता क्या, मनुष्य को लाल और हरे रंग में पहचान नहीं हो पाती, यानी लाल और हरा अगर मिक्स करके रख दिया जाए, उसके बीच में कुछ नंबर डाल दिया जाए तो वो पहचान नहीं पाएगा। अतः यह रोग लाल हरा अंधापन भी कहलाता है। यह लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है जो रिसेसिव जीन द्वारा होता है, इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है।
और वाई गुणसूत्र पर युग्मक विकल्पी का अभाव होता है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, एक्स गुणसूत्र पर इसका जीन पाया जाता है। स्त्रियों में जब दोनों एक्स गुणसूत्र पर होगा तभी वो वर्णांधता प्रदर्शित करेंगी, नहीं तो नहीं। अगर सिर्फ एक गुणसूत्र पर वर्णांधता का जीन है तो उनमें यह रोग उत्पन्न नहीं होता, केवल वो वाहक कहलाती हैं। लेकिन पुरुष में चूंकि एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है तो एक ही एक्स गुणसूत्र के कारण अगर एक एक्स गुणसूत्र पर वर्णांधता का जीन आ गया तो यानी पुरुष में रोग उत्पन्न हो जाता है। आइए इसकी वंशांगति देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया था कि वर्णांध पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से हो जाए। अब यहाँ पर तो ये नहीं, आपको ये नहीं लिखना है, हम इसको हटाना भूल गए। वर्णांध पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से, ऑप्शन ही नहीं है। देखिए वर्णांध पुरुष का विवाह यहाँ पर वाहक है ना, हमको इसको बदलना है सामान्य स्त्री से। तो सामान्य में हम क्या कर देंगे, ये सी को हटा देंगे, ठीक। एक्स एक्स देखिए वर्णांध पुरुष है तो वर्णांध पुरुष में एक्स गुणसूत्र पर एक कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता का जीन पाया जा रहा, ये सही है। ये फादर हो गया, फादर का जीन, ये हो गया मदर। सामान्य यानी सिर्फ एक्स और एक्स गुणसूत्र, इस पर कोई भी कलर ब्लाइंड का जीन नहीं है, इसलिए देखिए हम काट दिए हैं, सी लिखा था काट दिए हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर भी इसको भी काट देते हैं। अब एक्स जो गुणसूत्र है फादर से, अब एक्स मदर से जब आता है तब कैरियर डॉटर यानी वाहक पुत्री पैदा होती है। अब एक्स गुणसूत्र जब इस वाई से मिलती है तब नॉर्मल सेल पैदा होता है, सामान्य संतान उत्पन्न होती, नर संतान उत्पन्न होती है। अब देखिए सामान्य एक्स गुणसूत्र है, सामान्य एक्स गुणसूत्र जब इस एक्स सी से मिलती है, इसको काट दीजिए, तब क्या होगा, कलर ब्लाइंड, यहाँ लिखा है ना कलर ब्लाइंड नहीं होगा, क्या होगी, कैरियर डॉटर पैदा होती है यानी वाहक पुत्री उत्पन्न होती है। अब एक्स जब वाई से मिलता है तो यह इसको बैठा दीजिए, तो सामान्य संतान उत्पन्न होता है, नर संतान, सामान्य नर संतान, ठीक है। अब अपने हिसाब से इसको लिख लीजिएगा, अब इसको ना उतार लीजिएगा, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दूसरा पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया वर्णांध पुरुष और सामान्य स्त्री, यहाँ पर वाहक स्त्री का है ये सारा चीज़, तो सामान्य स्त्री से कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक। अब तो सामान्य स्त्री और वर्णांध पुरुष से विवाह हो जाता है तो क्या होता है, क्या होगा, जो पुत्रियाँ होंगी वो क्या होंगी, दोनों की दोनों यानी सभी पुत्रियाँ वाहक होंगी और सभी पुत्र क्या होंगे, सामान्य होंगे, यानी इनसे कोई रोग उत्पन्न किसी बच्चे में नहीं होगा, ठीक। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा, अगर आपने पढ़ा होगा तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा क्योंकि मैं ध्यान नहीं दिया इसको, क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को, और इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था, इस वजह से गड़बड़ हो गया। ये भी आपको नहीं लिखना है, ठीक है, ये भी आपको नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया PCR का उपयोग करते हुए किस प्रकार लाभकारी जीन का प्रवर्धन किया जाता है। तो PCR का प्रयोग ही किया जाता है किसी लाभकारी जीन का प्रवर्धन करने के लिए, DNA का प्रवर्धन करने के लिए। मान लो हमारे पास लिमिटेड संख्या में जीन या DNA है, तो उस DNA को हमको बहुत संख्या में बढ़ाना है, तब हम PCR का प्रयोग करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जैसे आपको पता है कि रेप्लिकेशन होता है DNA का, एक DNA से दो DNA बनता है, वैसे हम कृत्रिम तरीके से एक DNA से दो DNA, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 32 कर सकते हैं PCR की मदद से, ठीक। इलेक्ट्रोफोरेसिस माध्यम से अलग किए गए जो जीन या DNA खंड हैं उनको PCR द्वारा बड़े कम समय में अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जा सकती हैं, समझ आए। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें DNA को कट किया जाता है छोटे छोटे पार्ट में, और फिर हम इसको PCR में डाल सकते हैं जिससे इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा सके। PCR का अर्थ होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। DNA के अनेक प्रतिलिपियां कोशिका के बाहर इन्विट्रो बनाने में इस विधि की खोज किसने की थी, कैरी मूलिस ने सन 1985 में की थी। इसके लिए ताप स्थिर एंजाइम टैग पॉलीमरेज चाहिए होता है, टैग पॉलीमरेज को टैग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो निकाला जाता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस एक ऐसा जीवाणु है जो थर्मल वेंट्स में पाया जाता है जहाँ पर टेम्परेचर 100 से ज़्यादा होती है। और चूँकि PCR प्रोसेस में हम टेम्परेचर ज़्यादा प्रयोग करते हैं इसीलिए हमें इस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। यहाँ पर लिखा है एंजाइम टैग DNA पॉलीमरेज पाया जाता है जो एक एक्सोन्यूक्लियस होता है, इसको थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। ये बैक्टीरिया गर्म झरनों तथा हाइड्रोथर्मल वेंट्स में रहते हैं, अतः इनकी पॉलीमरेज एंजाइम उच्च ताप पर भी क्रियाशील रहती है। वास्तव में टैग पॉलीमरेज की उच्चतम क्रिया देर 75 से 80 डिग्री के बीच होती है जिस पर लगभग 150 न्यूक्लियोटाइड प्रति सेकंड जोड़ सकते हैं।
अब ये प्रोसेस होता है, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड से बने संश्लेषित प्राइमर की बड़ी मात्रा में पीसीआर मशीन में डाल देते हैं। न्यूक्लियोटाइड से बनी जो प्राइमर होती हैं उनको हम पीसीआर मशीन में डाल देते हैं, उसमें उन जीन को डालते हैं जिनका प्रवर्धन करना होता है। अब इस मिश्रण को हम 98 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं जिससे जो डीएनए डाला गया है ना, जो जीन या डीएनए डाला गया है उसके दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाए। इस क्रिया को हम निष्क्रियण कहते हैं। दूसरे प्रयोग में क्या करते हैं कि उपरोक्त मिश्रण को 60 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं। सामान्यतः ठंडा करने पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पुनः युग्मित होकर डीएनए अणु बना लेते हैं, किंतु माध्यम में प्राइमर्स की अधिक मात्रा होने के कारण डीएनए के कुछ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड अनुपूरक प्राइमर के साथ क्षार युगल बना लेते हैं। इस क्रिया को उपक्रामक या प्राइमर का एनीलिंग कहते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि उपर्युक्त घोल में टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम तथा चार प्रकार के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के ट्राइफॉस्फेट अणु को मिलाया जाता है। यानी ये तो चाहिए ही चाहिए, चार प्रकार के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड हाँ, या न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड में इनको मिलाया जाता है जिससे जो डीएनए के दोनों खुले सिरे होते हैं उन पे ये जाकर जुड़ सकें। अब ये चूंकि बाबू फिगर बना के समझाने वाला प्रोसेस है तो इतनी आसानी से तो यहाँ पर हम समझा नहीं सकते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ाई गई हैं। अगर आपने पढ़ाया तो यहाँ से आप रिव्यू कर सकते हैं, एक कह सकते हैं रिवीजन आपका हो जा रहा। जीनोमिक डीएनए दोनों स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह उपयोग में लाकर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम उपक्रामक पर पूरक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं। इस क्रिया को उपक्रामक का विस्तारण कहते हैं। पीसीआर के प्रत्येक चक्र में केवल 1 से 2 मिनट का समय लगता है और 20 चक्र के अंत में लगभग 1 मिलियन डीएनए से अधिक अणु बन जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जैव विविधता क्या है, वन्यजीव में यह किस प्रकार भिन्न है, पारितंत्र में कार्यों का पारितंत्र के कार्यों में जैव विविधता कैसे उपयोग होता है। जैव विविधता का मतलब होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों की जातियों की संख्या, जो कि कितनी है, लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक, भारत में कितनी है और विश्व में कितनी है ये यहाँ पर दिया गया है। पृथ्वी पर कुल 20,000 चींटियाँ जातियाँ पाई जाती हैं, 3 लाख भृंग की जातियाँ पाई जाती हैं। सब चीज़ें आपको बताई गई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। पृथ्वी पर पृथ्वी तथा भारत की जैव विविधता कैसी है, तो IUCN क्या कहता है कि पृथ्वी पर लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन की जातियों की खोजी जा चुकी हैं। अभी बहुत सारी जातियाँ ऐसी हैं जिनको खोजा जाना बाकी है। इन सभी के बारे में पिछले वाले भी वीडियो में आपको बताया गया था। कुल 70% जंतु होते हैं, 22% पौधे होते हैं। इस 70% का 70% जंतु क्या होते हैं, कीट होते हैं। यानी देखा जाए तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में किस जंतु की प्रजाति ज़्यादा है, कीटों की प्रजाति ज़्यादा है। 10 जंतु में से 7 जंतु क्या होते हैं, कीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जीवमंडल में घटित होने वाले कार्बन चक्र के सरलीकृत मॉडल का चित्र बनाइए। तो कार्बन साइकिल पिछले वाले वीडियो में बताया गया था, यहाँ पर भी आपको वही फिगर बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्मक जनन क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से मानव में सुखजनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए, जनन शब्द किसी के आगे जुड़ जाता है ना तो उसका मतलब होता है उसका निर्माण होना, यानी युग्मक जनन मतलब युग्मकों का निर्माण होना। अब चूंकि यहाँ पर शुक्र जनन के बारे में पूछा गया है, शुक्र जनन मतलब नर युग्मक का निर्माण होना मनुष्य में, तो युग्मक जनन का मतलब क्या होता है, जननांगों में युग्मक के बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुषों में वृषण होते हैं और स्त्रियों में अंडाशय होते हैं। युग्मक जनन विधि द्वारा क्रमशः नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक अर्थात अंडाणु उत्पन्न होते हैं। अब चूंकि यहाँ पर शुक्र जनन पूछा गया यानी शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया पूछी गई है, तो आइए देखते हैं। वृषण में अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएँ पाई जाती हैं जो शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती हैं, जो कि किशोरावस्था के समूह शुरू होती है, यानी किशोरावस्था मतलब 18 साल के एज के बाद। शुक्र जनन नलिकाओं की भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणुजन स्पर्मेटोगोनियम समूसूत्र विभाजन करता है और इससे द्विगुणित शुक्राणुजन का निर्माण होता है। शुक्राणुजन समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन करते हैं और इससे बनता है प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे दो समान अगुणित कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें हम द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। अब चूंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ है तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 होती है आधी। अब द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती हैं और 4 अगुणित शुक्राणु प्रशु का निर्माण करती हैं। शुक्राणु प्रशु रूपांतरित होकर ही शुक्राणु का निर्माण करते हैं। बस शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है वो किशोरावस्था में शुरू होती है, लड़कियों में 13 से 14 वर्ष की आयु में और लड़कों में 15, 16, 17, 18 इन सभी आयु में शुरू होती है। अब इनसे संबंधित जो हार्मोन है वो ये हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इस समय गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन काफ़ी अधिक वृद्धि हो जाती है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण या अगर पीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है और 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को उद्दीपित करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, लीडिक कोशिकाओं पर कार्य करता है और एंड्रोजन्स को स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। एंड्रोजन कौन, टेस्टोस्टेरोन, जिससे नर में शुक्राणुजनन की प्रक्रिया उद्दीपित होती है यानी प्रेरित होती है। ये इसका फिगर है, देख लीजिए इसको।
पहले भी इसके बारे में बताया गया है पिछले वाले वीडियो में, वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत बीजी पौधों में निषेचन की प्रक्रिया का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। प्रीवियस वाले वीडियो में भी बताया गया था आवृत बीजी पौधे यानी पुष्पोत्पादन करने वाले पौधों में क्या होता है, जो वर्तिकाग्र होता है उस वर्तिकाग्र पर परागकण आकर बैठता है, परागकण वृद्धि करता है, पराग नलिका बनाता है और ये पराग नलिका किस में प्रवेश करती है, पराग नलिका प्रवेश करती है भ्रूणकोष में। अब इसमें दो नर युग्मक रिलीज होते हैं, एक नर युग्मक जो है वो मादा युग्मक के साथ फ्यूज करती हैं, इस प्रक्रिया को संयुग्मन कहते हैं, सिनगैमी, इससे बनता है जाइगोट, और एक नर युग्मक जो होता है वो इस द्वितीयक केंद्रक से फ्यूज करती है, इससे बनता है भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक उष्णता में वृद्धि के कारणों और प्रभाव का वर्णन कीजिए। वैश्विक उष्णता वृद्धि को नियंत्रित करने वाले उपाय क्या हैं? देखिए, वैश्विक उष्णता का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग। मैंने आपको बताया था कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इसी को कहते हैं वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके प्रतिकूल प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, मौसम का परिवर्तन है, बहुत सारी चेंजेस आती हैं, इसकी वजह से समुद्र में जो ग्लेशियर्स हैं अंटार्कटिका रीजन पर, आर्कटिक रीजन्स पे, वो ये ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे, जैसे समुद्र स्तर बढ़ेगा, समुद्र का तल अगर बढ़ता है, स्तर बढ़ता है, तो इससे समुद्र से सटे बहुत सारे जो इलाके हैं, शहरें हैं, वो सभी जल निमग्न यानी डूब जाएंगे, तो ये इसका प्रभाव होता है। कारण क्या है वैश्विक उष्णता का? कारण है गैसें, कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC। ठीक, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, स्वतंत्र पूवन का नियम बताइए। स्वतंत्र पूवन का नियम क्या कहता है? मंडल का जो दूसरा नियम था, स्वतंत्र पूवन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, क्या कहते हैं? नहीं, तीसरा नियम है स्वतंत्र पूवन का नियम, दूसरा तो कारकों का शुद्धता, कारकों का पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम है, तीसरा नियम है स्वतंत्र पूवन का नियम। कहते हैं कि जब कोई दो लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो जब जो दो लक्षण होते हैं वे युग्मक निर्माण के समय दोनों लक्षणों के जो जीन हैं या दोनों लक्षणों के जो एलील हैं वो एक दूसरे से एकदम स्वतंत्र होकर पृथक पृथक रूप से युग्मकों में जाते हैं, एक दूसरे को कभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, स्वतंत्र ही लक्षण प्रदर्शित करते हैं, इसी को कहते हैं स्वतंत्र पूवन का नियम। तो मेंडल ने अपने कुछ प्रयोगों में दो विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर परपरागण अथवा संकरण कराया, जिसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, यानी क्या करें, एक ऐसे पौधे को ले लें जिसका जो बीज है वो गोल है और उसका रंग पीला है, और एक ऐसे बीज को ले लें जो झुर्रीदार है उसका रंग हरा है, इन दोनों के बीच हम जब क्रॉस कराते हैं तब हमें F1 पीढ़ी में तो सामान्य लक्षण जो दिखाई देते हैं कि गोल और पीला ही उत्पन्न होते हैं, और इन F1 पीढ़ी में जब हम स्वपरागण कराते हैं तब इससे हमें चार प्रकार के बीज उत्पन्न करने वाले पौधे प्राप्त होते हैं, गोल पीले, झुर्रीदार पीले, गोल हरा और झुर्रीदार हरे। इसके मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि गोल वाला जो जीन है वो झुर्रीदार वाले जीन को डिस्टर्ब नहीं करता, जो पीले रंग का जीन है वो हरे रंग को जीन को डिस्टर्ब नहीं करता, यानी सब जीन अपने अपने लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करते हैं, इसी को कहते हैं स्वतंत्र पूवन का नियम। नेक्स्ट पूछा गया था कि DNA प्रतिलिपि अर्धसंरक्षी होता है, इस पक्ष में प्रायोगिक प्रमाण बताइए। तो यहाँ पर होता क्या है कि इसकी जो खोज किए थे वो थे मैथ्यू मिशेलसन और फ्रैंकलिन स्टॉल, इन्होंने बताया था कि जो DNA का प्रतिलिपिकरण होता है वो अर्धसंरक्षी होता है। अर्धसंरक्षी का मतलब क्या होता है? देखिए, एक पैरेंट DNA से ही नए DNA का निर्माण होता है, तो मान लेते हैं कि ये पैरेंट DNA है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मान लेते हैं कि ये है एक पैरेंट DNA जिसका रंग लाल है। ठीक, अब इस DNA में सबसे पहले क्या होगा, ये दोनों कुंडलित अलग होंगी, अलग हो जाती हैं, और फिर इन पर आता है, इनसे जुड़ता है नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं इस प्रकार से। DNA प्रतिलिपिकरण में यही तो होता है, और उसके बाद बनता है इस प्रकार का DNA।
देखिए दो रंग बनाने का कारण यही है, समझाने के लिए देखिए जो पेरेंट का स्ट्रैंड है वो रेड कलर से है, रेड कलर से यहाँ पर भी जो नया बना डीएनए है ना, एक डीएनए से दो डीएनए बना, इन दो डीएनए में अगर आप देखो तो एक जो जो स्ट्रैंड है, एक रज्जुक है, वो लाल रंग का है। ये दर्शाता है कि भैया जो नई बनी संतति है ना, उसमें आधा जो भाग है वो जनक का होता है। इसी को कहते हैं अर्ध संरक्षी, अर्ध मतलब आधा, संरक्षी मतलब संरक्षण होना, यानी एक डीएनए से जो दो नए डीएनए बनते हैं उनमें आधा भाग जनक का होता है, इसी को कहते हैं डीएनए का अर्धसंरक्षी प्रतिकृतियन। इसको प्रूफ किया था मैथमेटिसन ऑफ एंग्लिस्टॉल ने, इन्होंने क्या किया था कि इस जो जनक है, इन दोनों का जो स्टैंड है उनमें NH4Cl का प्रयोग किया था, उसमें NH जो था N था नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 14 की जगह 15 यूज किया था, तो दोनों स्टैंड क्या थे, नाइट्रोजन 15 वाले थे। और जो नए बने थे ब्लू कलर से जो आपको दिखाया जा रहा है, जो नए बने स्टैंड थे वो क्या थे, नॉर्मल N14 थे, नाइट्रोजन 14 वाले स्टैंड थे। और पाया गया कि जो इस डीएनए से दो नए डीएनए बने उनमें एक स्टैंड N14 वाला था और जो दूसरा स्टैंड है वो N15 वाला था। इस तरह से फ्रैंकलिन स्टाल और मैथमेटिसन ने ये प्रूफ किया कि डीएनए का जो प्रतिलिपिकरण है वो अर्ध संरक्षी होता है। अब ये भी प्रोसेस लंबा है, इतनी आसानी से तो नहीं समझ सकते हो, ये सब पढ़ाएं आपको क्लासेस में, इसी पे एक रिवीजन के रूप में आपको समझ में आएगा, बस इसको लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पहले आपने पढ़ा होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पशुपालन से आप क्या समझते हैं, डेयरी तथा कुक्कुट फार्म में प्रयोग किए जाने वाले प्रबंधन प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। देखिए पशुपालन क्या होता है, पशुपालन का मतलब होता है सीधे सीधे पशुओं को पालना। अब मनुष्य ऐसा तो नहीं बेवजह पशुओं को पालेगा, इतना तो दयावान है नहीं, वो कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ उत्पाद प्राप्त करेगा इसीलिए वो उसे पालेगा। तो दूध मांस खाल इत्यादि के लिए पशुओं को पालना ही क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। और इन्हें हम, इन पशुओं को ही हम पशुधन कहते हैं, लाइव स्टॉक। अब डेयरी और कुक्कुट फार्म में कैसा प्रबंधन किया जाता है देख लेते हैं। डेयरी फार्म प्रबंधन, फार्म प्रबंधन में पारंपरिक पद्धतियों के की एक व्यावसायिक पहुंच होनी चाहिए जिससे हमारे खाद्य उत्पादन को और अधिक आवश्यक बढ़ावा मिले। एंड देखिए डेयरी उद्योग जो होती हैं उसमें पशु प्रबंधन में मानव खपत के लिए क्या निकलता है, दूध, दूध के उत्पाद जैसे दही मक्खन पनीर, इन चीज़ों का उत्पादन होता है। तो अब इनकी गुणवत्ता अच्छी हो इससे संबंधित ही खाद्य पदार्थ गायों और भैंसों को दी जाती हैं और उन्हें एक उपयुक्त वातावरण में रखा जाता है। अच्छी नस्ल का प्रयोग किया जाता है जिससे उनसे प्राप्त होने वाली जो उत्पाद है वो उच्च गुणवत्ता वाली हो। मुर्गी पालन में क्या करते हैं, मुर्गी पालन में हम ऐसी मुर्गियों को पालते हैं जो मांस प्रदान करें या अंडा प्रदान करें। तो देखिए अंडे देने वाली जो पक्षियां हैं उन्हें हम लेयर्स कहते हैं और जो मांस प्रदान करने वाली पक्षियां उन्हें हम ब्रायलर्स कहते हैं। इनमें हम मुर्गी बत्तख टर्की गीज आदि को हम शामिल कर सकते हैं। अब इनमें भी वही सारी चीज़ें, उच्च गुणवत्ता वाली हम नस्लों का प्रयोग करते हैं और उनसे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लास्ट, निम्नलिखित में किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, तीन दिए गए, दो ही लिखना है, जैविक खाद, हाथी पांव, लाभदायक कीट। देखिए जैविक खाद क्या होता है, जैव उर्वरक। मैंने आपको बताया था कि रासायनिक उर्वरक DDT वगैरह बहुत घातक होते हैं, वातावरण को दूषित करते हैं और लंबे समय तक वे अपघटित नहीं होते हैं, तो इस वजह से उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनके स्थान पर जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। जैव उर्वरक क्या होते हैं, तो जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव होते हैं, जीवाणु कवक, जो वातावरण में यानी मृदा में रहकर भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, पौधों के लिए आवश्यक हो जाते हैं। तो जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, जैसे जीवाणु कवक साइनोबैक्टीरिया आदि। एग्जाम्पल दिए गए हैं लेग्यूम राइजोबियम सहजीवन, राइजोबियम एक जीवाणु होता है जो लेग्यूमिनस पौधे के जड़ों में पाया जाता है, ठीक, और वहाँ रहकर वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इस प्रकार से नाइट्रोजन प्राप्त होता है पौधों को, क्योंकि पौधे वातावरण से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, भले ही नाइट्रोजन वातावरण में 78% हो, 78% होने के बावजूद भी इन नाइट्रोजन का प्रयोग पौधे या कोई जंतु नहीं करते हैं। पौधों इन नाइट्रोजन को अमोनिया अमोनिया नाइट्रेट या नाइट्रेट के फॉर्म में ही प्रयोग करते हैं। तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना, इसको अमोनिया नाइट्रेट नाइट्रेट नाइट्राइट इन सब में परिवर्तित करते हैं ये जीवाणु, ठीक, इस प्रकार से पौधे इनका प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से नाइट्रोजन स्थिरीकारक मुक्त जीवी जीवाणु जैसे एजोस्पायरलम है, जो एजोटोबैक्टर है,
माइकोराइजा है जो उच्च पौधों की जड़ों में पाया जाता है, कवक है, साइनोबैक्टीरिया है, इनसे भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हाथी पाँव, हाथी पाँव एक ऐसा रोग है जिसमें पैर हाथियों की तरीके फूल जाता है बहुत ज़्यादा। अब ये होता किसकी वजह से है? ये होता है वुचेरेरिया बैनक्राफ्टी या वुचेरेरिया मलाई नामक परजीवी फाइलेरिया क्रीमी के कारण होता है। यहाँ क्रीम लिखा है ना, क्रीम नहीं है बाबू, ये क्रीमी है। क्रीमी मतलब वर्म, इंटेस्टाइनल वर्म जैसे होता था राउंड वर्म एस्कैरिस, वैसे ये भी होता है। अब वुचेरेरिया के कारण अंगों में प्रायः निचले पाद की लसिका वाहिनियों में धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालिक सोथ हो जाता है, यानी काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है वो आर्गन। ठीक, हल्का बुखार रहता है, शरीर में दर्द होता है। यह रोग किसके द्वारा फैलता है? मादा क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है। नेक्स्ट आता है लाभदायक कीट बताइए। तो ऐसे कीट जो हमारे ही नहीं पारितंत्र में पाए जाने वाले समस्त जीवों के लिए लाभकारी हों, ऐसे जीवों को हम लाभदायक कीट कहते हैं। अब मनुष्य के लिए लाभदायक कीट जैसे शहद, मोम प्राप्त करने वाले जो हैं मधुमक्खी, रेशम, लाख का कीट। और दूसरा, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो अन्य कीटों को खाते हैं, जैसे टिड्डे, लोकस्ट, इन सभी को मनुष्य खाते हैं। पक्षी, मछलियाँ, स्तनधारी, ये सभी केवल कीटों पर भोजन पर आश्रित होती हैं। चीटी खोर चीटियों को खाती हैं। पुष्प को परागित करने वाले कीट हैं जैसे तितलियाँ, मधुमक्खी, भौंरे आदि। अब ये सब अगर नहीं होंगे तो पुष्प परागण नहीं कर पाएगा, परागण नहीं कर पाएगा तो नए पुष्प उत्पन्न हो पाएंगे या ना पौधे उत्पन्न हो पाएंगे, नहीं उत्पन्न हो पाएंगे। भूमि को उर्वरक करने वाले बहुत सारे कीट हैं जैसे चीटियाँ हैं, मक्खियाँ, गुबरैला, गुबरैला जो गोबर से निकलता है, तो ये भूमि को उर्वर बनाता है। हानिकारक कीटों को नष्ट करने वाले भी कीट होते हैं जिन्हें हम एंटोमोफेगस कीट कहते हैं। उदाहरण ड्रैगन फ्लाई मच्छरों को खाते हैं। लेडीबर्ड बीटल के लार्वा कपास के पादप पर रहने वाले एफिड्स का भक्षण करते हैं। बस ये था आपका 2020 के सेट 3 का पूरा आंसर जो आपको बता दिया गया है। उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई जादू हम चढ़ा दें कि आपके मन में सब बैठ जाए, और ये सब चीज़ें होती भी थोड़ी टफ हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन जो मैंने आपसे बोला था कि जिनमें आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, वो आप एग्ज़ाम के काफ़ी टाइम पहले जब पढ़ते हो तब आपको ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा किन्हीं कारणों की वजह से, तो अभी आप इसमें रिवीजन करके याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से अच्छा नंबर लाएंगे आप। ठीक, 3 सेट हो गए हैं, 3 सेट को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, 4th सेट जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कल का और टाइम है तो उम्मीद है कि अब आगे वीडियो नहीं दे पाएंगे किसी भी सेट का। 3 सेट आपको वीडियो दे दिया गया है, इन सब पढ़ लीजिए, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 70 में से 50 के ऊपर से तय है अगर आप अच्छे से इसको पढ़ ले गए तो। अब सेट 4 है, सेट 5 है, हो सकता है इसके PDF कल मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूँ या आज रात में प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी निंदी चैनल से। धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें, वीडियो PDF जितने भी आपको दिए जा रहे हैं सबको शेयर करें। धन्यवाद।